नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम गुरु ग्रह जो कि वृश्चिक राशि में भ्रमण करने वाले हैं, जो तारीख है वो है 11 अक्टूबर 2018 और वो 5 नवंबर 2019 तक वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। यानी गुरु ग्रह का जो वृश्चिक राशि में भ्रमण है वो 11 अक्टूबर 2018 से 5 नवंबर 2019 तक रहेगा। ये समय के दरमियान गुरु ग्रह जो है अलग अलग राशि या लग्न वाले जातक जो है उनको क्या फल देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह का ये जो गोचर भ्रमण मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो राशि और लग्न दोनों को ही लागू होगा। आइए अब देखते हैं कि कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातक जो है उनको वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर भ्रमण क्या फल देगा। तो कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जो जातक है उनकी कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गुरु का भ्रमण होगा। वो गुरु जो है उनके नवम भाव को, एकादश भाव यानी 11वें भाव को और लग्न भाव को देखेगा। गुरु का ये जो भ्रमण है उनके नवम भाव को देखते हुए उनको भाग्य को लेके अच्छी तक प्रदान कर सकता है। एकादश भाव में दृष्टि करते हुए ये गुरु उनके लाभ को बढ़ा सकता है और लग्न में दृष्टि करते हुए ये गुरु जो है उनको एक अच्छा विजन दे सकता है, अच्छी सोच दे सकता है। और कटक लग्न या कर्क राशि वाले जातक जो है उनकी कुंडली में वृश्चिक राशि का गुरु का जो भ्रमण है वो अगर बात करें नौकरी या व्यवसाय में तो उनको भाग्य को लेकर अच्छी तक दे सकता है और ओवरऑल थोड़ी इनकम भी उनकी बढ़ा सकता है। अगर वो कोई नई जॉब की चाह में है तो उनको जॉब प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उनको हो सके थोड़ा दूर जाना पड़े। जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ से दूर जाएंगे तो ये गुरु उनको अच्छा सपोर्ट करेगा। अगर बात करें हम आर्थिक स्थिति की तो वृश्चिक राशि में ये गुरु का भ्रमण जो है वो कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक जो है उनको आर्थिक तौर पर थोड़ा कम हेल्पफुल रहेगा, इतना ज़्यादा वो हेल्प नहीं करेगा। अगर हम शिक्षा की बात करें, जो भी एजुकेशन में है जो लोग यानी जो विद्यार्थीगण है उनको वृश्चिक राशि में गुरु का भ्रमण बहुत ही अच्छा सपोर्ट ही रहेगा। वो जो भी मार्क्स लाना चाहते थे, जो भी एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते थे तो गुरु जो है उनको वो फील्ड में ले जा सकता है और उनका रैंक जो है वो बढ़ा सकता है, अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, उनको जो मेहनत है वो तो करनी है, लेकिन गुरु जो है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट उनके लिए बनाएगा। नवम भाव में ये जो दृष्टि है वो जो लोग उच्च अभ्यास यानी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर डिग्रीज लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गुरु का भ्रमण जो है सपोर्टिव रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो गुरु का ये जो भ्रमण है पारिवारिक जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस कम कर सकता है, बुजुर्गों के साथ के जो संबंध है वो अच्छे बना सकता है, बुजुर्गों का एक सपोर्ट दिलवा सकता है और नए मित्र भी बनवा सकता है, मित्रों का अच्छा सपोर्ट भी वो दिलवा सकता है। मैरिज लाइफ की बात करें तो गुरु का ये जो भ्रमण रहेगा मैरिज लाइफ के लिए इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग प्रेम संबंध में है या प्रेम करना चाहते हैं या किसी प्रेम की तलाश में है तो उनकी तलाश यहाँ पे खत्म जरूर हो सकती है, उनको अच्छा एक प्रेमी मिल सकता है, प्रेम संबंध उनका ये समय में बन सकता है, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल राहु जो भ्रमण कर रहा था लग्न में उसको ये गुरु महाराज देखेंगे। तो कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातक जो है उनके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि अभी तक वो लोग एक कंफ्यूजन में चल रहे थे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उनके दिमाग में जो इतने सारे प्रश्न थे उसका ये गोचर का जो गुरु है वृश्चिक का ये सब प्रश्नों का समन करेगा, उनके प्रश्नों को दूर करेगा, उनको एक ऐसा विजन देगा कि भाई हमें यही करना है, इस तरह से करना है, ये करेंगे तो ये होगा। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातक जो है उनके लिए वृश्चिक का गुरु ये चीज के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, एक अच्छी उनको सोच दे सकता है, उनके कन्फ्यूजन्स जो चल रहे थे 1 साल से उसको दूर कर सकता है वो और एक अच्छे मुकाम पर उनको ले जा सकता है। और स्वास्थ्य जो है ये समय में उनका जो है वो अच्छा बना सकता है, उनके रोग जो थे या जो भी हेल्थ इश्यूज थे उनको वो दूर कर सकता है। अब हम देखें कि कर्क राशि या लग्न वाले जातक ऐसे तो कौन से उपाय करें ताकि उनको और ज़्यादा अच्छा फल मिले।
तो देखिए सबसे पहले गुरु का मंत्र जो है वो कर सकते हैं ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और वो कर सकते हैं जो भी एजुकेशन के स्थान है, यानी कि स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ पे वो दान दे सकते हैं। जो भी छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्वीट्स जाके वहाँ पे वो दे सकते हैं। धर्मस्थान में वो दान दे सकते हैं, धर्मस्थान में मिठाइयाँ बांट सकते हैं, ये भी उनके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्ग लोग जो है उनकी सेवा करें, उनको हेल्प करें, वो भी अच्छा रहेगा। आपके जो दोस्त है उनको अगर ज़रूरत है आपकी हेल्प की तो उनको हेल्प करिए, तो भी ये गुरु आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। और एक बात, थोड़ा योग प्राणायाम करें, क्योंकि ये टाइम में आपको अच्छे गुरु मिलने की भी पूर्ण संभावना है। तो अगर आपकी चाह है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक ऐसा गुरु हो जो आपको एक दीर्घ दृष्टि दे, आपके जीवन के जो प्रश्न है उनका समाधान दे, तो ये समय में आपको अच्छे गुरु मिलने की भी संभावना है। तो आप ये पथ पे भी आगे बढ़ते रहिए, आध्यात्मिकता के आगे बढ़ते रहिए, तो भी आपके लिए गुरु सपोर्टिव रहेगा। अगर आप वृश्चिक का गोचर के गुरु का भ्रमण जो है उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो कि और हमारे जीवन के कौन से पार्ट को वो इफेक्ट करेगा और हमें क्या सपोर्ट करेगा, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वो डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, मोबाइल नंबर है 9712180808। तो आशा रखता हूँ गोचर का वृश्चिक राशि में ये जो भ्रमण है आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही शुभमय हो, और हमारी जो भी तकलीफें थी उसको वो दूर करे और हम सबको वो शुभत्व प्रदान करे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।